प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे। चीन क्वाड को लेकर हमेशा से ही आपत्ति जताता रहा है। क्वाड देशों की यह बैठक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अब भी जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के साथ 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, नव निर्वाचित ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बनीज और जापानी पीएम फुमिको किशिदा भी हिस्सा लेंगे। क्वाड बैठक के बाद पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। समुद्र से लेकर सैन्य सहायता तक के लिए तैयार क्वाड ग्रुप को अमेरिका ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बनाया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की दादागिरी के जवाब में बने इस ग्रुप में शामिल सभी देशों की चाइना से नहीं पड़ती है। चीन शुरू से ही क्वाड का विरोध करता रहा है क्योंकि इसे वो अपने ग्लोबल राइज को रोकने वाली स्ट्रेटेजी के रूप में देखता है। चीन का आरोप है कि क्वाड उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की सबसे बड़ी चिंता क्वाड में भारत के जुड़े होने से है। चीन को डर है कि अगर भारत सुपर पावर से हाथ मिलाता है तो भविष्य में चीन के लिए ये बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। 2007 में क्वाड के बनने के बाद से संगठन ज्यादा काम नहीं कर पाया क्योंकि शुरू में चीन के विरोध की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इसे लेकर हिचकिचाहट जताई थी। लेकिन 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन को काउंटर करने के लिए इस गठबंधन को फिर से शुरू करने का फैसला लिया। 24 मई को होने वाली क्वाड बैठक से पहले ही चीन ने भारत से लगी सीमा पर भड़काऊ हरकतें शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील पर विवादित इलाके पर दूसरा पुल बनाना शुरू कर दिया है। माना जाता है कि क्वाड रणनीतिक तौर पर चीन के आर्थिक और सैन्य उभार को काउंटर करता है, इसलिए ये गठबंधन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत चीन का लंबे समय से सीमा पर विवाद बरकरार है। ऐसे में अगर भारतीय सीमा पर उसकी आक्रामकता ज्यादा बढ़ती है तो इस कम्युनिस्ट देश को रोकने के लिए भारत क्वाड के अन्य देशों की मदद ले सकता है।